हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो क्लासेस चल रही है आपकी, स्केलर के लिए चैप्टर चल रहा है आपका। कल हमने कंप्लीट किया था कौन सा यहाँ पे, तो देखिए आपका कार्बन के प्रारूप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कार्बन के प्रारूप तक आपका, उससे बाहर आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा जितनी भी आपको क्लासेस कराई है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था। अभी काफ़ी लोगों का कमेंट किया, उसमें से मुझे एक दो कमेंट याद आ रहा है, किसी का था अभी नाम मुझे याद नहीं है, कि कार्बन के प्रारूप में जो आपने इतना सारा करा दिया है वो आएगा नहीं आएगा। ठीक है, इसमें सिलेबस में इतना नहीं दिया हुआ है। अब देखो सिलेबस में जो जितना दिया हुआ है वो आपका 15 दिन का सिलेबस है। अगर खाली आप नाम के बारे में पढ़ के जाओगे तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछता है। क्वेश्चन पेपर में उसके अंदर तक की चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। अब देखो यहाँ पे आपका साबुन और अपमार्जक दिया हुआ है। ठीक है, अगला जो टॉपिक आज हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देंगे। अब मैं इसको अगर आपको साबुन और अपमार्जक को कराना चाहूँ तो 1 मिनट की भी क्लास नहीं है। ठीक है, साबुन और अपमार्जक आपका 1 मिनट की भी क्लास नहीं है। लेकिन आपका ये इस पर आपका मिसेल से पूछा जाता है, वो आपको देखना पड़ेगा। और साथ ही आपका इसमें कठोर जल का पूछा जाता है। अब इसमें कहीं पे लिखा नहीं है कठोर जल के बारे में, कि कठोर जल भी है सिलेबस में। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल सी चीज़ें, आप देखो कन्फ्यूजन यहीं पे होता है जो नए नए तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर जिनको अभी भी एग्जाम का लेवल या पैटर्न समझ में नहीं आता। जो आपका एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ना मेन चीज़ क्या है, आपको सिलेबस समझना है। आपको सबसे पहले सिलेबस समझना है, उसके बाद आपका एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो लेवल समझना है। ये आप समझ गए दो चीज़ें और फिर आपने तैयारी की तो आपको फिर कोई नहीं रोक पाएगा यहाँ पे सिलेक्शन लेने से। ठीक है, ये दो चीज़ें अगर आप समझ गए, सिलेबस अच्छे से समझ गए और लेवल समझ गए, तो फिर आपने पढ़ना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि आपने सिलेबस देख लिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया और कुछ भी पढ़ रहे जो सिलेबस में, मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया है, या फिर आपको आज सुबह जो वीडियो डाली होगी, कौन सी वीडियो आपकी, जो कि आपका मॉक टेस्ट 1 है, जिन्होंने नहीं देखा जरूर से देख ले। ठीक है, उस पर आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल रहता है पेपर का और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पढ़ना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका देखिए, उसके बाद अम्लसार और लवण दिया हुआ है। सिंपल सी चीज़ है, अम्ल की परिभाषा आप इसमें क्या करेंगे, जो अब जिन्होंने कमेंट किया था, अब वो इसमें क्या सोच रहे कि अम्ल की परिभाषा, सार की परिभाषा, लवण की परिभाषा मैं पढ़ लूँ और मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा। किस्मत अच्छी रही, लेवल बहुत ही डाउन रहा पेपर का, इजी लेवल पे पूछ रहा है, तब आपके क्वेश्चन बन भी जाए। लेकिन अब इसके अंदर आपको 3-4 चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब अम्लसार लवण है, उस पर आपका देखो लिटमस पेपर आ जाता है। उसके अलावा आपका देखो पढ़ने के लिए आपको सिर्फ दिया रहेगा, इस पर आपका अगर बुक से पढ़ेंगे लिटमस दिया रहेगा, हल्दी भी होगा उसमें, ऐसे करके 2-3 चीजें और होंगी जिनका कलर सबका अलग अलग होता है। अब पढ़ने वाले सिर्फ लिटमस को पढ़ के चले जाते हैं, अब पूछ दिया हल्दी के लिए तो वहां पे फिर गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हैं जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल आपका सिलेबस से मैच करता है और आपको क्वेश्चन दिखेंगे भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन वहाँ पे नहीं दिखेंगे या फिर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है बिल्कुल ही। और फिर भी हम इतना डीप में नहीं घुस रहे, मैं आपको फिर भी जिस लेवल का एग्जाम होने वाला है वही लेवल में आपको करा रहा हूँ, उतना हाई लेवल में आपको बता नहीं रहा हूँ कि ये चीज़ें पूछी जाएंगी, ये चीज़ें पूछी जाएंगी, वरना ये चीज़ें तो आपको BSc MSc तक की क्लासेस में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप इनको जाके देख सकते हैं, देखना अगर आपको चाहते हो तो। लेकिन पूछेगा कुछ भी नहीं वहाँ से, वहाँ से आएगा कुछ भी नहीं, आने वाला आपका 10th बेस पे ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आज आपको हेडिंग डालनी है साबुन और अपमार्जक। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो कार्बन तक आपने कंप्लीट कर ही दिया है, उसके बाद आपका साबुन और अपमार्जक कंप्लीट हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ मैथ्स के लिए काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मैथ्स की क्लास चाहिए करके, तो आपको देखिए इस क्लास के बाद ही आपको मैं मैथ्स की क्लास लाने की सोचूंगा। ठीक है, लगभग लगभग 90% चांस है कि इस क्लास के बाद आपको मैथ्स की क्लास देखने को मिले, जिसमें आपका एक चैप्टर जितना भी पार्ट में हो पाएगा उतना मैं आपको कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, ये चांसेस ज़्यादा है, वरना फिर अम्लसार और लवण या फिर दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इसको कंप्लीट करने के बाद देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे की छोटी छोटी क्लासेस है, अम्लसार और लवण आपका और दैनिक जीवन में पीएच का महत्व एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद साधारण नमक, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग एक ही में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वीडियो में यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं कि मैथ्स लाई जाए, या फिर इससे पहले अगर मौका मिला तो मैं आपको करा दूंगा मैथ्स की क्लास। तो आज आपको पहला चीज लिखनी है, यहाँ पे पहला टॉपिक लिखना है साबुन और अपमार्जक। ठीक है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आ जाएगा साबुन। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है साबुन। अब मैं आपको डेफिनेशन इसकी पढ़ के सुना देता हूँ, सिंपल सी चीज है। इसमें आपके आ जाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, सोडियम, और यहाँ पे आपके सोडियम के साथ में आपका पोटेशियम, पोटेशियम के लवण।
ठीक है, सिंपल सी ये लाइन आपको याद रखनी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो सोडियम और पोटेशियम के लवण की लंबी श्रृंखला, ठीक है, या लंबी श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक अम्ल, आपको मैं इसको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ, इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। किस लाइन में लिखना है यहाँ से पूछेगा क्या, फिर मैं बताता हूँ। देखिए साबुन, फिर आपको डैश करके लिखता है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल जो क्या है आपके सोडियम और पोटेशियम के लवण है, उनको आपका साबुन बोला जाता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको समझ में आ रहा होगा, इससे पहले मैंने आपको बताया था, तो आपकी क्या होगी लंबी श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें आपके सोडियम होंगे, पोटेशियम होंगे, पोटेशियम को आपका केसे शो करेंगे, यहाँ पे पोटेशियम भी लिख दिया, यहाँ पे आपका सोडियम है, ठीक है, के लवण आपको क्या बोले जाएंगे, उनको साबुन बोला जाएगा। कैसे होता है डायग्राम देख लीजिए इसका, किस क्या जुड़ा रहेगा आपका, सिंपल सी चीज है, सी जुड़ा रहेगा, यहाँ पे आपका ओ रहेगा, अब यहाँ पे या तो आपका एन ए रहेगा या फिर आपका के रहेगा। अब यहाँ पे एक श्रृंखला आपकी बन जाती है, इस तरीके से इसको शो किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको दिखाया जाता है, यहाँ पे आपका जो एन ए और के इस पे जुड़ा रहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, साबुन हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, इसको आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है आपका, क्वेश्चन क्या बनता है, साबुन डैश डैश यहाँ पे आपको भरने के लिए आएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के किसके, सोडियम और पोटेशियम के लवण है, ठीक है। तो ये आपको भरने के लिए आएगा, ये आपका याद रखना है आपको, एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको याद रखना है, एक आपको यहाँ पे मेन चीज जो दो चीजें याद रखनी है, सोडियम या, हाँ या है आपका बीच में, ऐसा नहीं सोडियम कॉमा ये, मतलब ये नहीं कि दोनों का होना चाहिए, सोडियम या फिर ये पोटेशियम का, या फिर दोनों भी हो सकता है। तो इसमें आपका ये इसके लवण जो होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, साबुन कहलाएंगे। अब मेन चीज इसके बाद आती है, डायग्राम आपको बना लेना है, डायग्राम आपसे पूछा नहीं जाएगा, खाली समझाने के लिए। अब यहाँ से मेन क्वेश्चन जो बनता है आपका वो आ जाता है मिसेल, मिसेल होता क्या है आपका, पहले देखो साबुन किस तरीके से दिखता है, ये आपका साबुन है, ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है पहले। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है साबुन का, एक आपका ये हो जाता है इसका हेड, ये हो जाता है टेल, ठीक है। ये है जो आपका वो होता है पानी के तरफ का बाहर, पानी की ओर, ठीक है। ये आपसे पूछ लेता है कि हेड आपका पानी की ओर रहता है या टेल रहता है, ये आपका क्या रहता है पानी से दूर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, हेड इससे डायरेक्ट पूछ लेता है, हेड जो आपका है वो पानी की ओर रहेगा या टेल आपका पानी की ओर रहेगा, तो हेड जो है आपका वो पानी ओर के पानी की ओर रहेगा। ये आपका क्या होता है, जो आपका हेड है उसी में आपके क्या होते हैं आयन होते हैं, आयन के फॉर्म में होता है, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा एन ए की बात करूं तो एन ए पॉजिटिव, टेल की बात करें तो टेल आपके क्या होते हैं, ये होते हैं आपके कार्बोक्सिलिक सॉरी आपका हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये समझ गए होंगे, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है क्या क्या, पहले तो आपका मैंने बता दिया कार जो लंबी श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनके सोडियम और या फिर पोटेशियम के लवण को आपका क्या बोलते हैं, साबुन बोला जाता है। उसके अलावा इसका जो डायग्राम रहता है कैसा रहता है, ये इसका हेड रहता है, ये इसका टेल रहता है, ठीक है, या इसको आप इसका सर या पूंछ भी बोल सकते हैं, हिंदी में ऐसा भी लिखा हुआ आता है। तो जो हेड होता है उसमें क्या होता है, वो पहले वहां पे आपका होता है आयन होता है, और वो आपका क्या रहता है पानी की ओर का भाग रहता है। आयन की बात करें तो आपसे पूछ लेगा कि एन ए पॉजिटिव, ठीक है, साबुन के किस भाग में रहता है, हेड भाग में टेल भाग में, तो आपको याद रहना है कि आपका किस में रहता है, हेड भाग में आपका पॉजिटिव सिरा रहता है, या मतलब आपका आयनिक सिरा रहता है। अब बात करेंगे जो टेल भाग है उसका, उस पर क्या रहेगा, तो उस पर आपका हाइड्रोकार्बन रहेगा, और उस पर आपसे सीधे सीधे पूछ लेता है कि जो हाइड्रोकार्बन है वो पानी में किस ओर रहेंगे, पानी की ओर रहेंगे या फिर पानी से दूर रहेंगे, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि वो पानी से दूर का भाग है आपका, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है। दूसरी चीज अब आपको यहाँ पे ये चीज लिख लेना है कि जो आपका साबुन के गुच्छा, जो साबुन का गुच्छा होगा एक, या साबुन के कणों का गुच्छा, या साबुन का गुच्छा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसको आपका क्या बोला जाता है, इसी को आपका मिसेल बोला जाता है, ठीक है, इसको आपका मिसेल बोला जाता है। इसको आपको पहले नोट कर लेना है, फिर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूं किस तरीके से डायग्राम इसका रहता है आपका। अब देखो यहां पर आपका ये आपने नोट कर लिया होगा, हेड टेल आपको समझ में आ गया होगा। यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन जो मैं आपको बता देता हूं, इसमें एक क्वेश्चन आपका सीधे सीधे यहां से बनता है, दूसरा
तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन वाला, छठा क्वेश्चन। देखो 6 एमसीक्यू यहाँ पे बन गया आपके, ठीक है। 6 एमसीक्यू किससे? सिर्फ साबुन से, अभी मिसेल नहीं आया है, ठीक है। मिसेल का अलग से रहेगा, अभी मिसेल में भी यही चीजें हैं, सिर्फ आपका 6 क्वेश्चन हो गए। सातवां क्वेश्चन इसी को ले लो आप, साबुन का गुच्छे को आपका क्या बोलेंगे? साबुन का गुच्छा क्या कहलाएगा? साबुन ही कहलाएगा, अपमार्जक कहलाएगा या मिसेल कहलाएगा, ठीक है। अब ये चीज है, अब इसमें देख लो आप अपना। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला एन ए और के, किस बेस पे आएगा? साबुन डैश का डैश लवण है, लंबी श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक अम्ल, सोडियम और पोटेशियम। सीधे सीधे ये लिखने को आता है, अच्छे से याद रख लो, 10 बार मैं आपको बता चुका हूँ। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो आपका साबुन का चित्र है या डायग्राम है, आपको ये भी दिया जा सकता है वहां पे, और इसको पूछ लेगा ये क्या है, ठीक है। ये हेड है उसका, दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा। पहला ऑप्शन है ये साबुन का हेड है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन दूसरा ऑप्शन में रहेगा, हेड पे ही वह हेड जो होता है वो आयनिक फॉर्म में रहता है। तीसरा आपके पास ऑप्शन रहेगा, जो हेड है वो पानी के ओर का भाग है। चौथा आपके पास रहेगा ये सभी। तो सीधे सीधे आंसर क्या हो गया? ये सभी, हेड भी यही है, यही पे आयन रहते हैं आपके, और ये पानी के ओर का भाग है। सिंपल सी चीज होगी, एक ही क्वेश्चन में पूछ सकता है, या सिंपल सा एक चीज पूछ लेगा, बाकी अलग आंसर दे देगा, ठीक है। टेल में आपका पूछ लेगा क्या है, जो आपका डायग्राम दे देगा, ये वाला भाग आपसे पूछ लेगा, ये इसको एक्स ले लेगा नाम, ये एक्स का नाम क्या है, ठीक है। टेल है आपका, इसमें क्या होता है? ऑप्शन दूसरा बी ऑप्शन है, पानी से दूर का भाग है। सी ऑप्शन है, ये हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन रहते हैं। या फिर डी ऑप्शन है, ये सभी। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, या इन तीनों में से एक दिया रहेगा। साबुन का गुच्छा क्या कहलाता है? साबुन ही कहलाता है, अपमार्जक कहलाता है, मिसेल कहलाता है, या साबुन और अपमार्जक दोनों। तो क्या होगा आपका आंसर? मिसेल हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतनी चीजें आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, अभी आपने नोट भी कर लिया होगा। अब मैं आपको मिसेल का डायग्राम बना देता हूँ। मिसेल मैंने आपको बताया क्या है, जो आपका साबुन है उसी को आपका जो गुच्छा बनता है उसका, वो आपका मिसेल कहलाता है, ठीक है। तो मिसेल के बारे में आप यहां पे मैं आपको डायग्राम इसका बना देता हूं। मिसेल है, ठीक है, यहां पे आपका ये आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो डायग्राम पे भी आपको पूछ सकता है कि ये क्या है। काफी लोग यहाँ पे अपमार्जक कर देंगे, काफी लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, आपका साबुन कर देंगे। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक हो गया, ये आपका हो गया। ऐसे और रहता है, मैं आपको ये छोटा सा बना दिया, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जितने भी हो गए यहाँ से ऐसे करके निकलते रहेंगे। मेन क्वेश्चन है सोडियम और पोटेशियम, जो मैंने आपको बोला था उसके लवण होते हैं, वो आपका मेन चीज है। अब मैंने आपको बोला था अभी क्या होता है, मिसेल के बारे में हम देख रहे हैं, तो मिसेल आपका समझ में आ गया। ये क्या है आप समझ सकते हैं, ये क्या है? हेड है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा आपके? आयनिक फॉर्म में रहेगा, सीधा लिख दिया। एग्जाम्पल के तौर पे एन ए पॉजिटिव, ऐसा भी लिखा रह सकता है, एन ए पॉजिटिव, ठीक है, ये आपका हेड हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे ये क्या चीज है, तो मैं यहाँ पे इसको इधर जाके लिख रहा हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा, या फिर इसको आप बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन है यहाँ पे आपका, और ये क्या है आपका? जल से दूर है, और ये जल के पास है, ठीक है। यहां से ये सब चीजें वही होगी, है सिंपल सी चीज है। मिसेल क्या होता है आप समझ गए, जो आपका साबुन का एक गुच्छा बन गया उसको आपका मिसेल बोल दिया, और यहाँ पे आपका इसका टेल हो गया, ये इसका हेड हो गया, पॉजिटिव आयन, या मतलब आपका यहाँ पे आयनिक फॉर्म में रहता है, यहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन रहता है, सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे लिखने वाली चीज़ें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो हिंदी में अगर लिखा रहेगा ना, तो आपका यहाँ पे जलरागी सिरा और जल विरागी सिरा भी लिखा रहता है। यहाँ पे देखो आपको ये भी अगर कन्फ्यूजन होता है हिंदी वालों को, जलरागी सिरा, ठीक है, इसको जलरागी सिरा, जो हेड है आपका, ठीक है, हेड को जलरागी सिरा लिखा रहेगा, जो टेल है आपका उसको जल विरागी सिरा, ठीक है, जल विरागी सिरा। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लिखने वाली चीजें हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। साबुन के अणु के दोनों सिरों में अलग अलग गुणधर्म होते हैं, बता चुका हूँ, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, ठीक हो गया। एक सिरा जल में विलेय होता है, जिसे जलरागी सिरा बोलते हैं, ये आपका हो गया, जो जल के पास रहेगा जल में विलेय रहेगा, और जो जल से दूर रहेगा वो आपका जल विरागी सिरा हो गया, वो आपको बता दिया। जलरागी सिरा आयनिक भाग होता है, बिल्कुल आपका आयनिक भाग होता है, जो हेड है आपका, जिसे हेड भी कहते हैं, तथा जल विरागी सिरा हाइड्रोकार्बन का
बना होता है जिसको पूंछ भी बोला जाता है, टेल या फिर आपका पूंछ, जल विरागी सिरा और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है कठोर जल, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है कठोर जल, कठोर जल आपको अगली हेडिंग डालनी है, सिंपल सी दो चीजें लिखनी है यहाँ पे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण। जिस जल में आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के कठोर जल, ठीक है, जिस जल में आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होंगे उसको आपका कठोर जल बोला जाएगा। इसकी समस्या क्या है, क्या दिक्कत इससे आती है, ये झाग नहीं देता, ठीक है, झाग बहुत कम देता है, झाग कम देता है, इससे कपड़े अच्छे से साफ नहीं हो पाते, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है आप लोगों से कि आपका जो ये आपके कठोर जल है वो आपका झाग देता है नहीं देता है, या फिर आपका मृदु जल झाग देता है या कठोर जल ज्यादा झाग देता है साबुन के साथ में, ठीक है, साबुन के साथ में आपका कौन देगा, तो आपका जो मृदु जल है वो अच्छा झाग देता है, कठोर जल आपका झाग नहीं देता या फिर अच्छे से कपड़े को साफ नहीं करता है। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है, सिंपल सी एक ही लाइन है, ये आपको मैं पढ़ के भी बता देता हूँ यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है। देखो, आपका कठोर जल में साबुन अच्छे से काम नहीं करता है, इसी समस्या को दूर करने के लिए अपमार्जक का यूज किया जाता है, तो ठीक है, वो तो अपमार्जक अभी पढ़ने वाले हैं, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण मौजूद होते हैं, कठोर जल की बात की जा रही है, ये अधिक मात्रा में साबुन डालने पर भी सफाई अच्छे से नहीं करता, ठीक है। अब इसी के कारण यहाँ पे अपमार्जक आया गया, पहले साबुन था, साबुन के बाद अब आ गया अपमार्जक यहाँ पे, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको अगला यहाँ पे देखिए, आपका मेन चीज है कैल्शियम और मैग्नीशियम, सीधे पूछ लेता है कठोर जल में किसके लवण होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, या सीधे पूछ लेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जो आपके झाग कम देते हैं वो कौन सा जल है, कठोर जल है, मृदु जल है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ये याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये याद रखना ही रखना है, ठीक है, दिख रहा होगा, ये आपको याद रखना है, झाग कम देता है ये आपको याद रखना है, दूसरी चीज, ठीक है। अब आपको आपने नोट कर लिया होगा, तो यहाँ पे अब बात करेंगे अगली चीज के बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, अपमार्जक, अपमार्जक इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा, कठोर जल के कारण ही अपमार्जक का लाया गया, अपमार्जक को लाया गया, वरना अपमार्जक की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। साबुन आप समझ गए होंगे, साबुन में इतनी चीजें हैं, इससे ऊपर कुछ चीजें नहीं है, मैंने आपको बता दिए, पांच छह क्वेश्चन वहां पे बता दिए कि वहां से पूछ सकता है, दो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, कठोर जल इसी में आता है, तो यहाँ पे भी आपसे पूछा जा सकता है। अब अपमार्जक में देख लेते हैं, अपमार्जक में भी सेम चीजें हैं, अपमार्जक, ठीक है। अब इसमें पहले आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए, कठोर जल में साबुन अच्छे से काम नहीं करता, इसी समस्या को दूर करने के लिए क्या आपका अपमार्जक का यूज किया गया। अब ये क्या होता है, लंबी श्रृंखला के सल्फोनिक और अमोनियम लवण, ठीक है, आपको दो चीजें याद रखनी है यहाँ पे, सल्फोनिक और अमोनियम लवण, ठीक है। लंबी श्रृंखला के क्या होते हैं, सल्फोनिक और अमोनियम लवण होते हैं, इसी को आपका अपमार्जक बोला जाता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, आपके शैंपू हो गया, कपड़े धोने का साबुन, ठीक है, ये भी आपका अपमार्जक में आ जाएगा। अब यहां पे देखिए आपका अगली चीज क्या है, इसमें क्या होता है आपका, इससे आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका सिंपल सा बनेगा, अपमार्जक डैश डैश का लवण है, तो सल्फोनिक और अमोनियम लवण, मेन चीज आपको ये याद रखनी है, ये आपसे नहीं पूछता है, इसकी कोई टेंशन मत लीजिए, लिख लीजिए काम आएगा, लेकिन आपका ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे इतनी चीज आपसे पूछी जाती है, किसमें से, आपका साबुन और अपमार्जक से, मैंने आपको लगभग लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इसमें से करा दिए, तो यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बाकी कुछ भी नहीं बनता है इससे, और इससे क्वेश्चन आपका कंफर्म बनेगा, तो आपको इसको तैयार करके रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब अगली क्लास जो आपकी रहेगी, ये आपका आज डे 12 कंप्लीट हो गया, ठीक है, मॉक टेस्ट आपको साथ साथ में मिलते रहेंगे, तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले देख लेना है प्रीवियस ईयर पेपर प्लस मॉक टेस्ट, स्केलर करके आपको लिखा हुआ है मॉक टेस्ट। दूसरी चीज, डेली क्लासेस आपको मिल रही हैं, स्केलर क्लासेस, ठीक है, ये आपको देख लेना है, प्लस मैंने आपको फिजिकल की पूरी डिटेल बता रखी है, वो फिजिकल की डिटेल आप देख लेके क्या क्या होने वाला है, कब होने वाला है। एडमिट कार्ड के बारे में बताऊं तो एडमिट कार्ड आपका देखिए 15 को अगर आपका फिजिकल है तो आपका यहाँ पे 7 से 10 के बीच में आ जाएगा एडमिट कार्ड, हो सकता है
6-7 को भी आ जाए, 7 से 10 तारीख के बीच में कंफर्म आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो तैयारी अपनी करते रहें, ऐसा मत सोचे कि आपका फिजिकल 15 को नहीं होगा, तो फिजिकल की पूरी तैयारी करें, बिल्कुल रुकना नहीं है, साथ में अपना पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपका 4 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो 4 अगस्त को एग्जाम है, उसकी भी आपको तैयारी अच्छे से करनी है, टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, ये कोर्स हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका मैं इसके इस क्लास के बाद मैं मैथ्स ले आऊँगा या फिर अगले क्लास से आपकी मैथ्स स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको बोल ही रखा था कि फिजिकल से पहले या फिर फिजिकल के तुरंत बाद आपको मैथ की क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही अगर पुरानी वीडियो जो आपने नहीं देखी, क्योंकि डे 12 आपका हो चुका है, इससे पुरानी वाली वीडियो जो आप पूरी देख लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।